तो आज हेलो फ्रेंड, चलिए आज हम आपको मशीन के पास लेकर चलते हैं और हम आपको बताते हैं कि देखिए आज मशीन पे आए हैं और आपको मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे मशीन कटिंग कर रहा है। फ्रेंड तो देखिए ये स्ट्रिप कटिंग कर रहा है, इसके अंदर होल भी है। तो ये फ्रेंड ये देखिए ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है, अगर इधर से कटिंग करेगा ना बहुत। और इसके अंदर एक और खासियत चीज़ आपको बता रहे हैं फ्रेंड, चलिए मैं मशीन पे ही प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। देखिए ये मशीन अभी स्टॉप हो रहा है, स्टॉप होने के बाद में फिर कटिंग कर रहा है। माइक्रो ज्वाइन डाला हूँ फ्रेंड, माइक्रो ज्वाइन देखिए ये है माइक्रो ज्वाइन। माइक्रो ज्वाइन से क्या होगा, ये पट्टी ऐसे 20 mm का है फ्रेंड, 2 cm का है। अगर आप माइक्रो ज्वाइन नहीं डालेंगे तो ये ऊपर में उड़ जाएगा, ये ऊपर में उड़ जाएगा तो समझिए कि फिर आपको ये अलाइनमेंट उसका सही नहीं रहेगा। 20 है तो 24 भी आ सकता है, 16 भी आ सकता है, तो डायमेंशन आपका ओके नहीं रहेगा फ्रेंड। तो इसीलिए माइक्रो ज्वाइंट को डालते हैं। तो देखिए ये लेफ्ट टू राइट कट कर रहा है, पहले लाइन कट करेगा उसके बाद में सर्कल कट करेगा फिर लाइन कट करेगा। क्योंकि देखिए पहले अगर हम पूरा सर्कल भी कट कर लेते हैं उसके बाद भी लाइन कट करते हैं तब भी एक दो मिनट चेंज हो सकता है फ्रेंड। और पहले अगर टोटल लाइन भी कट कर लेते हैं बाद में भी सर्कल कट करेंगे तब भी फ्रेंड प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए फ्रेंड पहले लेफ्ट टू राइट पहले लाइन ये कट कर दिया, ये पूरा सीट एक साथ में ज्वाइंट है, ये पूरा सीट एक साथ में ज्वाइंट है तो मूव होने का चांस नहीं रहेगा। उसके बाद में पहले सर्कल कट करेगा फिर लाइन कट करेगा फिर सर्कल कट करेगा फिर लाइन कट करेगा, तो फ्रेंड ऐसा कभी प्रॉब्लम नहीं हो सकता है फ्रेंड। ओके तो चलिए मैं आपको उसमें इसका दिखा रहे हैं, बाकी सिस्टम पर लेकर चल रहे हैं और दिखा रहे हैं आपको फ्रेंड। देखिए ये फ्रेंड सिस्टम है, ठीक है। तो ये देखिए कटिंग हो ही गया है, अभी देखिए इसका एस्टिमेटेड टाइम है फ्रेंड, देखिए 27 मिनट 44 सेकेंड है फ्रेंड। और अभी कितना हो चुका है 22 मिनट एंड 16 सेकेंड कंटिन्यू अभी चल रहा है फ्रेंड, ठीक है। इसका ऊपर में देखिए ये DNE का सॉफ्टवेयर है फ्रेंड, देखिए ये DNE है। तो DNE में देखिए इसके ऊपर में साइज इसका दिया हुआ रहेगा कि ये टोटल साइज कितना, अगर देखिए 400 × 2750 ये mm में है फ्रेंड। तो ये देखिए और इधर मैं आपको स्टेटस में इसका दिखा दे रहे हैं, ये बाकी तो ये IMS कटिंग कर रहा है तो ऑक्सीजन ही सेलेक्ट किया हुआ रहेगा फ्रेंड। और ये जो 2 bar है इसका रियलिटी तो 2 bar नहीं है, इसमें तो 1 bar ही है प्रेशर, ये देखिए रियल का प्रेशर है। ये 2 bar जो फ्लो करने के लिए नहीं रहता है वो है 2 bar, ये जिसमें कि वो मशीन स्टॉप भी रहेगा ना तो ये जब फ्लो ब्लो क्लिक करेंगे ना फ्रेंड तो उसमें निकलता है तो 2 bar तक निकलेगा, अगर उससे ज्यादा भी बढ़ाएंगे तो आप बढ़ा सकते हैं फ्रेंड, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड। तो ये देखिए बाकी ये देखिए फीडिंग स्पीड है, फीडिंग स्पीड में आपको ये जब भी ये मशीन मूव होता है ना तो आपको ये देखिए पर मीटर मीटर पर मिनट दिखाएगा, एक मिनट में कितना मीटर मतलब ये जाएगा फ्रेंड। देखिए 2.5 मीटर एक मिनट में वो कटिंग कर सकता है मशीन फ्रेंड। तो चलिए ये देखिए अभी जब भी मशीन मूव होगा एक्स और वाई का तो ये तो डायरेक्शन दिखाएगा और जेड का भी, और बाकी ये फोकस पोजीशन देखिए फ्रेंड -1.0 है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड फोकस पोजीशन, ये -1.0 है। और ये पीक पावर देखिए 5760 वाट है। ओके फ्रेंड अगर प्रेशर ऑलरेडी 1 bar है, ये जो फॉलो का है जो फॉलो हाइट है 0.8 है, 0.8 mm है, ये देखिए ये फॉलो है। उसके बाद में जब भी मशीन वर्किंग करेगा फ्रेंड तो इसका एमिशन जो है जो इसका लेजर है तो IPG का, तो ये देखिए ऑन हो जाता है तभी तो लेजर रहेगा, तो ये एमिशन ऑन रहेगा, एमिंग नहीं ऑन रहेगा, लेजर ऑन एमिंग भी जब जब क्लिक होता है तब तक ऑन रहेगा फ्रेंड, फॉलो ऑन रहेगा क्योंकि तभी तो ऊपर नीचे उसका नोजल काम करेगा, और गैस एनी टाइम नोजल ऑन रहेगा क्योंकि गैस ऑन रहेगा तभी तो कटिंग करेगा फ्रेंड। तो चलिए फ्रेम इसलिए अभी नहीं है ऑन क्योंकि जब भी आप फंक्शन 0 जब दबाएंगे फ्रेम करेंगे तब जाकर ये चलेगा फ्रेंड। जब भी आपको मशीन फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं तो उस समय आप फ्रेम करते हैं ना, तो देखिए आप रिमोट के ऊपर लेकर चलते हैं, ये देखिए फ्रेंड रिमोट के बारे में, चलिए इसके लिए लंबा वीडियो हो जाएगा, इसके लिए हमें अलग से एक वीडियो बनाएंगे रिमोट पे, ठीक है, आप पूरा रिमोट का डिटेल्स आपको बताएंगे फ्रेंड। ओके अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज फ्रेंड मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी कुछ डाउट होगा तो फ्रेंड कमेंट कीजिए, मैं 24/7
हावत में आपके लिए फ्री हूँ रिप्लाई करने के लिए। ओके थैंक यू बाय।